नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी अकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में समाज सुधार आंदोलन को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 3 में 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 1 है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं समाज सुधार आंदोलन। इसमें हमें देखना है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और सीधा 15 नंबर के प्रश्न। जब भी आप समाज सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न को डिजाइन करते हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी के लिए एक ही पैरामीटर है डिजाइनिंग का, वो है कि सबसे पहले आप, यदि किसी समाज सुधार आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले उसका स्थापना बताइए, किस स्थान पर उसकी स्थापना हुई है, स्थान बताइए, संस्थापक के नाम बताइए और साथ ही साथ उसका उद्देश्य व कार्य बताइए, उद्देश्य व कार्य बताइए। तो इस प्रकार से आज हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं समाज सुधार आंदोलन के लिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है राम कृष्ण मिशन की भूमिका पर प्रकाश डालिए, कि भूमिका पर प्रकाश डालिए, राम कृष्ण मिशन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है 2 अंकों के लिए, अर्थात हमें दिया हुआ है शब्द सीमा 30 शब्द, अर्थात हमें यहां पर लिखने हैं कुल 4 लाइन। रामकृष्ण मिशन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हम जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है स्वामी विवेकानंद ने 1897 को वेल्लूर मठ कलकत्ता में। चूंकि यहां पर वेल्लूर मठ एक स्थान का बोध हुआ है, तो आप मैप बनाना जरूर समझे। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाइए, और कलकत्ता में दिखा दीजिए वेल्लूर मठ। यह हमने एक छोटा सा भारत का मैप बना दिया और यहां पर दिखा दिया वेल्लूर मठ कलकत्ता, वेल्लूर मठ, यह है वेल्लूर मठ कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से मैप को घेर दीजिए। इससे यह प्रदर्शित हो जाता है कि वेल्लूर मठ कहां पर है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां हुई है। यहां लिखेंगे कलकत्ता के वेल्लूर मठ, या लिख सकते हैं वेल्लूर मठ कलकत्ता, वेल्लूर मठ कलकत्ता में 1897 को स्वामी
नंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, की स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यह एक सामाजिक, यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हमने दो नंबरों के लिए एक सिंपल सा आंसर डिजाइन किया। वेलूर मठ कलकत्ता में 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, अर्थात इससे हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि इससे समाज का विकास करने के उद्देश्य से तथा धार्मिक समानता की भाव विकसित करने हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। मान लीजिए यही प्रश्न आता चार नंबरों के लिए अर्थात 60 शब्दों को, तो आप उद्देश्य को और डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। अर्थात हमें यहां पर कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात हमें यहां पर कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य समाज में स्वतंत्रता, इसका उद्देश्य समाज में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, बंधुता व आपसी भाईचारे की भावना, आपसी भाईचारे की भावना, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, शांति व सहिष्णुता की भावना का विकास करना था। ध्यान दीजिएगा, वेलूर मठ कलकत्ता में 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य समाज में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, बंधुता व आपसी भाईचारे की भावना, सभी धर्मों का सम्मान करना, शांति व सहिष्णुता की भावना का विकास करना था। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए और हमें दिए हुए कुल 100 शब्द लिखने हैं, तो 100 शब्द लिखने के लिए हमें प्रदान किए जाएंगे कुल 10 लाइन, हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से तो हम यहां पर उद्देश्य तथा कार्यों को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, समाज में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास कर, राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करके, समाज में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करके
धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के भेदभाव को दूर करना तथा सामाजिक कुरीतिये सामाजिक कुरीतियों यथा सती प्रथा दास प्रथा व नर बलि प्रथा का अंत करना सती प्रथा दास प्रथा व नर बलि प्रथा का अंत करना तथा शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण करना था। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हमने एक कॉमन बात लिखा। यदि मान लीजिए आपसे किसी और समाज सुधार संस्था के बारे में पूछा जाता है तो उसका यहां से इसका उद्देश्य से लेकर यहां तक लास्ट तक आंसर बिल्कुल सेम होगा। बस यहां पर हमें स्थापना को और संस्थापक के नाम को चेंज करना होगा, जो भी इसका फैक्ट ओरिएंटेड आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। वेलूर मठ कोलकाता में 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य समाज में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, बंधुता व आपसी भाईचारे की भावना, सभी धर्मों का सम्मान करना, शांति व सहिष्णुता की भावना का विकास करना था। समाज में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के भेदभाव को दूर करना तथा सामाजिक कुरीतियों यथा सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा का अंत करना तथा शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण करना था। तो ये हमने डिस्कस किया रामकृष्ण मिशन को, मेंस के आधार पर हमने लिखा। यदि मान लीजिए एग्जाम में पूछता है ब्रह्म समाज की भूमिका पर प्रकाश डालिए या ब्रह्म समाज को रेखांकित कीजिए या ब्रह्म समाज पर टिप्पणी कीजिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया है 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। तो इंडिया का मैप बनाएंगे, यहां पर कलकत्ता प्रदर्शित कर देंगे और यहां लिखना प्रारंभ करेंगे। कलकत्ता में 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उसके बाद यह आंसर बिल्कुल सेम रखना है। मैंने यहां पर ऐसी डिजाइनिंग किया है जिससे आपको विभिन्न प्रकार के आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉमन फॉर्मेट में हम आंसर लिख सकते हैं, इसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य समाज में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, बंधुता व आपसी भाईचारे की भावना, सभी धर्मों का सम्मान करना, शांति व सहिष्णुता की भावना का विकास करना था। समाज में एकता व चेतना की भावना का विकास करके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के भेदभाव को दूर करना था तथा सामाजिक कुरीतियों यथा सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा का अंत करना तथा शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण करना था।